उज्जैन की नीलगंगा पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि दो युवक वीर तेजाजी मंदिर के पास मादक पदार्थों की डिलीवरी की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी राजकुमार फुलेरिया और निखिल वर्मा को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नीलगंगा थाना क्षेत्र में ही रहने वाली पूजा और उसके बेटो कालू उर्फ करण और टोबू उर्फ अर्जुन से स्मैक लेकर बेचने के लिए खड़े थे। नीलगंगा पुलिस पूजा और उसके बेटों की तलाश कर रही है। दिनांक 30 की रात को हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि गौ घाट पर दो युवक स्मैक की सप्लाई देने के लिए खड़े हुए हैं, जिस पर हमारे द्वारा टीम भेजकर वहां कार्रवाई कराई गई और वहां दो युवक मिले, जिनमें से एक युवक के पास से 7 ग्राम स्मैक और दूसरे युवक के पास से 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इनमें दो युवकों में से एक युवक, एक जिसका हाथ नहीं है, वो उसके यहाँ थाना नीलगंगा में आपराधिक रिकॉर्ड है। और ये भी जानकारी मिली कि वर्ष 2020 के दिसंबर में उक्त युवक इंदौर में भी स्मैक के साथ पकड़ाया था, जहाँ उसका प्रकरण पंजीबद्ध है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि राजीव रत्न कॉलोनी निवासी एक आदतन अपराधी महिला है और उसके लड़के हैं, तो उन्होंने ये इन दोनों युवकों को स्मैक सप्लाई करने के लिए दिए थे। इस विषय में जांच की जा रही है और उन लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।